लोकायुक्त संगठन ने जेडीए के द्वारा विजयनगर में शिक्षण संस्थान के लिए आरक्षित रियायत दर की जमीन में हेराफेरी के आरोप में 16 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों में जेडीए, टीएनसीपी, नगर निगम रजिस्ट्री कार्यालय समेत करीब एक दर्जन सरकारी विभागों में पदस्थ रहे तत्कालीन अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। जांच में यह बात भी सामने आई है कि उक्त जमीन सेठ मन्नूलाल जगन्नाथ दास अस्पताल ट्रस्ट को शिक्षण संस्थान खोलने के लिए लीज पर दी गई थी। सरकारी अधिकारियों से सांठगांठ करके इस जमीन की मत परिवर्तन कराकर बड़ा फर्जीवाड़ा करते हुए इस जमीन पर अस्पताल को तान दिया गया। मामला दर्ज होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। जमीन की वर्तमान कीमत करीब 30 करोड़ से अधिक की बताई जा रही है।